आज इस वीडियो मायमी टुमहे एनमे के टॉप टेन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बटोनगा टू चलो शुरू करते हैं जोटरो कुजो एक पॉपुलर एनमे मांगा कैरेक्टर है जो, 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 जो बिजार एडवेंचर सीरीज में आता है जो कि हिरोही को एराकी के द्वारा लिखी गई है जोटरो एक स्ट्रॉन्ग स्टोर्क और मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके पास एक यूनिक पावर होती है जो स्टैंड के रूप में जानी जाती है उसका स्टैंड का नाम है, जो एक्सट्रॉडनरी स्ट्रेंथ और स्पीड से होता है। जो 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 बिजार में कई इंप्रेसिविलिटीज दिखता है स्टाप्लेटिन पावर उसका स्टैंड स्टाप्लेटिनम की एक्सट्रॉडनरी स्ट्रेंथ और स्पीड होती है वो चिट्स को बहुत तेजी से पंच कर सकता है और मैसिव ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से उठा सकता है टाइम स्टॉप एक जोटरो के सबसे पावरफुल एबिलिटीज है उसका स्टैंड का टाइम स्टॉप वो एक छोटे समय के लिए इनिशियली एक सेकंड दुनिया का समय रोक सकता है जो कि उसको किसी भी स्थिति से बचेन में और दुश्मन को हारने में मदद करता है इस एबिलिटी को बाद में और भी एनहांस किया जाता है बैटल इंटेलिजेंस एक बहुत हाई इंटेलिजेंट फाइटर है और उसका स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स यूज करने का तरीका काफी अका होता है उसका स्टैंड के एबिलिटीज को क्लेवली एक्सप्लॉयट करना उसके एनिमीज़ के लिए कठिन होता है स्टैंड कंट्रोल जोटरो अपने स्टैंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है जिससे वो अपने विल के अकॉर्डिंग यूज कर सकता है यह कंट्रोल उसके स्टैंड की पावर को और भी ज्यादा डेडली बनाता है डिफीटिंग पावरफुल एनिमीज जोटरों ने अपने सैफा के दौरान कई पावरफुल स्टैंड यूजर्स को हराया है जैसे कि डिओ ब्रांडो वनिला और के इमिनियंस को इन बैटल्स में उसने अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल किया गॉन फ्रीसियस एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो मानगा सीरीज हंटर एक्स हंटर और उसके एनिमे एडेप्टन का प्रोटैगनिस्ट है बोन एक यंग एंड एडवेंचरस बॉय है जो अपने मिसिंग फादर को खोजन के लिए हंटर्स एग्जाम में भगता है उसका कैरेक्टर उसकी डिटर्मिनेशन और उसका एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स आर सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी। उसका यूनिक नेम एबिलिटी भी लेटर इन द सीरीज रिवील होता है बॉर्न फ्रीसीएस के कुछ नोटवर्दी फीड्स कामयाबियां हंटर एक्स हंटर सीरीज में इंक्लूड होती है हंटर एग्जाम क्लियरिंग गॉन का सेफा हंटर्स एग्जाम से शुरू होता है जिसमें वो कई चैलेंजिंग टास्क और एनिमीज़ के साथ डील करता है और एग्जाम को क्लियर करता है अरेना ने हेवेन अरेना में पार्टिसिपेट किया और वहां पे कुछ पावरफुल नेम यूजर्स के अगेंस्ट लड़ा, जिसमें उसने कुछ इंप्रेसिव बैटल्स जीती हेल्सिंग एनमे और मानगा सीरीज में एलुकार एक वैम्पिरिक कैरेक्टर है एलुकार्ड का असल नाम व्लाड ड्रैकुला थ्री होता है और वो एक एल्कमस्ट था जो बाद में ड्रैक्यूला बन गया उसका यूनिक फीचर है कि वो इमोर्टैलिटी शापे शिफ्टिंग और सुपर ह्यूमन अबिलिटीज जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ और रैपिड रीजेनरेशन का मलिक है एलुकार्ड हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट है जिसका काम वैम्पायर्स और सुपरनेचुरल थ्रेट्स को एलिमिनेट करना होता है उसका कैरेक्टर डार्क और मिस्टीरियस होता है और वो अपने काम में रूथलेस और सडिस्टिक तरीके से अप्रोच करता है एलुकार का अपियरेंस भी काफी डिस्टिंक्टिव होता है उसके लॉन कोट और सनग्लासेस की वजह से वो ईजिली रिकॉग्नाइजेबल है हेल्सिंग सीरीज में एलुकार का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है और उसके मॉरल वैल्यूज और अपनी वैम्पिरिक नेचर के बीच एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल दिखाया गया है जो सीरीज के प्लॉट को और इंटरेस्टिंग बनाता है मंकी डी लफी एक फिक्शनल कैरेक्टर है और एक पॉपुलर एनिमे और मांगा सीरीज वन पीस का मेन प्रोटैगनिस्ट है लफी एक यंग पायरेट है जो अपने ड्रीम्स के पीछे भागता है उसका सपना है पायरेट किंग बनने का और उसका मकसद है ग्रैंड लाइन के अखीरी ट्रेजर वन पीस को ढूंढना लफी का स्पेशल ट्रेट है उसका रबर लाइक बॉडी जो उसको एक गम गम फ्रूट खाने के बाद मिला इससे उसका शारीर एलास्टिक हो गया और उसके पास कुछ स्पेशल अटैक्स भी है जो असज एलास्टिक बॉडी का फायदा उठाता है लफी एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है और उसका क्रू जी स्ट्रॉड पायरेट्स कहते हैं उसके साथ है जो असको उसके मिशन में मदद करती है लफी का कैरेक्टर एडवेंचरस डिटर्मिट और अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल होता है वन पीस एक लॉन्ग रनिंग सीरीज है जिसमें लफी और उसके साथी पायरेट्स ने कई एडवेंचर्स बैटल्स और मिस्ट्रीज के साथ सैफा किया है इस सीरीज में फ्रेंडशिप नकारात्मकता और सपनाओ को हकीकत बनाने की कहानी है लफी के कुछ इंप्रेसिव फीट्स प्रतिभा वन पीस एनएमए और मांगा सीरीज में शामिल है गियर सेकंड लफी का एक पावरफुल टेक्निक है जीज गियर सेकंड कहते हैं इसमें वो अपने शरीर को सुपर फास्ट स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ टेम्परली बूस्ट करता है जिससे उसकी फाइटिंग केपेबिलिटीज कई गुना बद जाती है थर्ड लफी का दूसरा टेक्निक है गियर थर्ड इसमें वो अपने बॉडी पार्ट्स जैसे कि हाथ को बड़ा कर देता है और उन्हें ऐसे फिल करके बड़े अटैक्स आता है इससे इनका अटैक पावर और साइज दोनों बदजट हैकी है लफी ने हैकी नाम की स्पेशल पावर को भी अपनाया है है की एक मेंटल और स्पिरिचुअल पावर है जिससे वो इनविजिबल एनिमीज़ को भी डिटेक्ट कर सकता है और फाइट कर सकता है। डिफीटिंग पावरफुल एनिमीज़ लफी ने कई पावरफुल विलन और एनिमीज़ को हराया है जैसे कि क्रॉकोडाइल रॉब लुची डोंट कहट डोफ्लामिंगो और कैडो हर बार उसने अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से उन्हें मात दी है बिकमिंग द फिफ्थ टेम्पर एक पॉइंट पार लफी को फिफ्थ फिफ्थर ऑफ द सी भी कहा गया कि उनकी उसने अपनी रेप्यूटेशन और स्ट्रेंथ से ग्रैंड लाइन के दुनिया को अपनी ऑथोरिटी दिखाए ये कुछ फीट्स हैं जो लफी ने वन पीस सीरीज में अचीव किए हैं लेकिन इसके अलावा भी उसके और भी कई एडवेंचर्स और अचीवमेंट्स हैं और लफी का अभी नया गे भी आया है जिसका नाम ये फाइव है अचीगो करोसा की एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो टाइट क्यूबो के मांगा और एनमे सीरीज ब्लीच का प्रोटेगनिस्ट है पचीगो एक नॉर्मल इंसान था लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी तब्दील हो गई जब उसने एक बूट को देखा उसके बाद असको पता चलता है कि वो एक सोल रिप है जो आत्माओं को रक्षास और भूतों से बैठा है अचीगो का डिस्टिंक्टिव फीचर उसके ऑरेंज रैंग के बाल है और उसका पावर पैक्ट कैरेक्टर डिजाइन है उसकी कहानी में दोस्तों की मदद से आत्माओं को शांति द और विभिन्न रूपों में दिखने वाले भूतों से सामना करने के कई किस होट हैं उसका कैरेक्टर आक उसके पर्सनल विकास समझ और उसके दोस्तों के साथ रिश्तन का विकास पार्विका हुआ है अचीगो की शक्तियों का उचित इस्तेमाल करते हुए वो बूटोंग रक्षास और दूसरे अश्रायों से लैते हैं ब्लीच एक पॉपुलर एनमे और मांगा है जिसका आर्ट, कथावास्तु और कैरेक्टर डेवलपमेंट से कई लोग प्रभावित हुए हैं नारुतो उजुमा की एक किमगरारी मांगा और एनमे का प्रमुख पत्र है जो मैसेशी किशमोटो की सृष्टि है वो एक शिनोबी निंजक है जो कोनोहगाकुरे गांव में जन्मा हुआ था और उसमें खासियत थी कि उसमें एक शैतानी बीजू टाइल्ड बीस्ट एकदम हुई की ही थी उसके बचपन में उसकी आवाज ना सुनने की वजह से लोग उससे छोड़ दद जिससे उसने अकेलापन और अकेलापन महसूस किया वो अपने जीवन में एक प्रमुख लक्ष्य बने कि वो कनोआ का हॉकज बने करगर इत्सुक और संवेदनशील होने की वजह से वो अपने साथियों का सम्मान जीत लेता है और अंत में हॉकज भी बनता है उसकी कहानी में डॉस्टो दुश्मनों और गुरु शिष्या के रिश्ते का महत्व है उसका साथ ही ससु क्यूचिह और गुरुजीव ककाशी और यमटो भी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है नरूटो के सफलता उसके क्षमताओं द्वीध संकल्प और उसके डॉस्टन की मदद से मिलती है उसकी कहानी में साहस डॉस्टी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कटिनियोम को पार करने का संदेश है साइटामा एक फिक्शनल कैरेक्टर है वन मैन मांगा और एनमी सीरीज का प्रोटैगनिस्ट उसके कुछ नोटेबल फीट्स हैं एक पंच से हर किसी को हरना उसका सबसे बड़ा शक्ति है कि वो एक हाई पंच से किसी भी शत्रु या विलन को हरा सकता है सुपरसोनिक स्पीड साइटामा इतना तेज है कि वो सुने के लिए सुन सकता है और बिना किसी तकलीफ के सूर्य की तरह रोशनी से तेज चल सकता है ड्यूरेबिलिटी उसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि उसको हर प्रकार के हमले से कोई नुकसान नहीं होता इम्यूनिटी टू साइकिक अटैक्स उसके दिमाग पर किसी भी प्रकार के मानसिक हमले असर नहीं करते अनलिमिटेड स्टैमिना, उसका स्टैमिना कभी नहीं खत्म होता जिससे वो लंबी समय तक लैद सकता है प्रिसाइज कंट्रोल ओवर स्ट्रेंथ वो अपने फिजिकल शक्तियों को बहुत सुधार से नियंत्रित कर सकता है जिससे वो किसी को बिना नक्सुन के म सकता है लैक ऑफ चैलेंज अस्को एप तक ऐसे कोई शत्रु नहीं मिला जो यूज टक्कर दर्शाके यह कुछ खास साइटामा के फीट्स हैं गोकू ड्रैगन बॉल सीरीज के एक प्रसिद्ध कैरेक्टर है उसके कई शक्तिमान फीट्स हैं जिनमें सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ गोकू की शक्ति भरी और अत्याधिक है, है सुपर स्पीड उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वो एक हाईपैल में भरी दूरी तय कर सकता है फ्लाइट गोकू उड़ सकता है बिना किसी उड़ान साधन के मैनिपुलेशन बोकू की शक्ति का एक हिस्सा की मैनिपुलेशन होती है जिसकी कहते हैं इसकी मदद से वो एनर्जी अटैक्स कर सकता है सुपरसायन ट्रांसफॉर्मेशन बोकू के कई रूप होट हैं जिनमें सुपर सुपरसायन ब्लू और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शामिल हैं। ये रूप उसकी शक्ति को और भी बड़ा डट है एनर्जी अटैक्स गोकू कई तरह के एनर्जी अटैक्स जैसे कि कामेहा मेहा स्पिरिट बॉम्ब और की ब्लास्ट कर सकता है कॉम्बैट स्किल्स उसकी लिदाई की काला भी अत्यंत उन्नत है जिससे वो कई महत्वपूर्ण दुश्मनों से सामना कर सकता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन गोकू अपने मैन की इच्छा से तुरंत किसी जगह पहुंच सकता है रिजेनरेशन कई बार गोकू के शरीर को दुर्बल होने के बाद भी उसकी शक्ति वापस आती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यह एक अत्यंत उन्नत स्थिति है जिसमें गोकू के शरीर के सभी क्रियाएं अत्यंत खुशहाल हो जाती हैं। यह कुछ मुख्य फीड्स हैं जो गोकू के कैरेक्टर में शामिल हैं। अनका साहस संघर्ष और उनका दिखाया हुआ समर्पण भी उन्हें एक महान योद्धा बनाता है